Hi, my name is Mihir. I love traveling and shooting videos. For the last 2-3 years, I've been exploring new places and recording my experience of the same. But all this while, I realized that I was missing out on learning something new. So, the next adventure definitely had to be different. So I am here in Kashmir to learn snowboarding. देखो बॉस, बात सिंपल है। अक्सर हम अपने काम को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि इस जिंदगी की रेस में गुम हो जाते हैं और जो चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद हो ना वही भूल जाते हैं। ठीक यही हुआ मेरे साथ। I always love learning something new, especially if it's a sport. और ये स्नोबोर्डिंग सीखने का प्लान ना सालों से टलता आ रहा था, तो बस अपने दिल की भी तो सुनना जरूरी है ना। जाने का टाइम हो रहा है, अभी सुबह हो रही है। रात को लेट सोया था क्या? हाँ, वो थोड़ा प्लान वन कर रहा था। क्या का? ट्रिप पे जाना है, बहुत टाइम से नहीं गया कश्मीर जाने का। पागल हो रहा है क्या? यहाँ इतनी ठंड लग रही, घर में बैठे और तुझे कश्मीर जाना है बर्फ में? सर, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, सिर्फ ट्रिप पे जाना है। अरे मैं इतने टाइम से नहीं गया यार कहीं घूमने। कभी लद्दाख? अरे इतने टाइम से नहीं गया यार कहीं घूमने, 10-12 दिन का एक ट्रिप तो जाना है ना मेरे को। 10-12 दिन मजाक बात है कि हर महीने 10-12 दिन कहीं बाहर चले जाएंगे? 10-12 दिन समझ रहे क्या बोल रहा है? अरे पूरा महीना ही चला जाए। अरे मम्मी, स्नोबोर्डिंग सीखने का मन है, बहुत टाइम से बनता है। 10-12 दिन क्या किसी और कंट्री में जा रहे हैं क्या? जो 10-12 दिन है, 2-3 दिन आदमी घूम जाता है, 4 दिन कश्मीर ज्यादा जाना होता है। अरे वो भी गर्मी में जाते हैं, कोई ठंड में जाता है क्या? यहाँ कश्मीर लगा। अरे तो मम्मी, स्नोबोर्डिंग तो ठंड में होगी ना, स्नो में होगी। क्या करना है सीख के? कौन सा हम बर्फ में रहते हैं? प्रोफेशनल आदमी को काम आती है स्नोबोर्डिंग, तेरे किस काम की? अरे शौक में। तू अपने प्रोफेशन पे ध्यान दे, शौक में क्या है? फालतू शौक नहीं, हर चीज का शौक है, समझे क्या? अरे वहाँ पर वैसे ही टेंशन का माहौल होता है, ऐसी जगह पे जाते हैं क्या? 10-12 दिन। अरे मम्मी, टेंशन का माहौल दूसरी जगह होती है, कश्मीर में वहाँ होता है। अच्छा, हर जगह नहीं। किसी से भी पूछ के देख ले। चलो भाई, अपना तो टाइम हो रहा है, अपने पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। अरे यार पापा प्लीज यार, सॉरी बॉस, सॉरी, बहुत टाइम से मन है यार तुम्हारा, मन तो मम्मी बोलो ना यार प्लीज। अब तू पाओ, तू और पापा जाओ, मैं नहीं जाऊँ। तो भैया कुछ इस तरह हुई अपने कश्मीर ट्रिप की शुरुआत। अब एक महीना रोज सुबह जल्दी उठ के और घर वालों को मना मनू के जैसे तैसे सामान पैक किया और निकल पड़े एक नए सफर पर। पापे बच गया जब। हेलो गुडली, अरे वाह क्या हाल है, खुशहाल है भाई? अभी आया क्या? हाँ जस्ट अभी आया। फोन करके गाली किसको दे रहा था कि जल्दी है जल्दी है? अरे तो खड़े होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। ठीक है, डोनट्स हट, मैं नहीं खाता। ओवर एक्टिंग जो करी है ना, वही कपड़े पहनती है। फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर हो गया, जॉब लग गई अब। तो सही आउटफिट है, लेना ढंग से। थैंक यू। सो वी हैव रीच्ड डीकैथलॉन। जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं एक बार डीकैथलॉन के दर्शन जरूर होते हैं। ₹1000 के मुर्दे, ओह माय गॉड। और मौसम है ना, जरा सी भी हवा घुसी अंदर सारे पैसे बदल। हाय मीर, मयूर। अरे ब्लॉग कर रहे थे, कंटेंट देना थोड़ा। लेट हो रहा है क्या? मीर को फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है और वो बहुत गुस्से में है। मीर हाय तो बोल दे अपने फैंस को। जो 4 लोग तुझे लाइक और कमेंट करते हैं मेरे लिए। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। सर प्लीज, सर वन फोटो, सर वन ऑटोग्राफ। चलो भिखारी कहां से आ गया। स्नोबोर्डिंग मेट इज हियर, हाउ आर यू, कैसे हो? चले सो सॉरी यार, चलो लेट्स गो। वी हैव मेड इट टू कश्मीर एंड लुक, वी हैव
स्नो वेयर। और ये पूरी ट्रिप पे अभी जो एक्साइटमेंट हो रही है ना स्नो देख के, मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी पूरी ट्रिप पे यही देखने वाले हम लोग। यहाँ पर इतनी सॉफ्ट है तो गुलमर्ग में तो कैसी होगी। दिस इज शेख रॉफ, ही विल बी हेल्पिंग अस एक्सप्लोर हिज ब्यूटीफुल कश्मीर। चले फुल तैयारी। यस चलो। So as we landed in Kashmir, we decided to begin our trip with a houseboat stay at the Dal Lake, and it was definitely a worthy experience. अभी मेरे साथ इरशाद भाई हैं जो इस हाउस बोट को मैनेज करते हैं। और ये आपके हाथ में क्या है इरशाद भाई? ये हाय गाइस, ये यहाँ पे कश्मीरी कांगरी है। अच्छा, ये हमें विंटर में काम आते हैं। इसके अंदर कोयला डालते हैं, इसके ऊपर आग डालते हैं, और ये हमारा कश्मीरी ट्रेडिशनल फेरन होता है, फेरन जो हम विंटर में लगाते हैं। फिर हम कांगरी अंदर रखते हैं, हाथ भी अंदर रखते हैं, फिर ये अंदर फिर चल सकते हैं, और ये हीट देता है अंदर से। और ये जो हाउस बोट है ये कितना पुराना है? क्योंकि ये काफ़ी इसमें इंटीरियर जो है काफ़ी पुराने और मतलब विंटेज एकदम फील्स दे रहा था। ये जो हाउस बोट है ये कम से कम 35 साल से भी ऊपर, तब से मैं पैदा नहीं हुआ जब से ये हाउस बोट है। अच्छा, आपकी एज भी 35 है राइट? मेरी 35 है, ये 35 से भी पहले है। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? वो पता नहीं, वो दादे के हिसाब से होते हैं। अच्छा, उन्होंने बनाया, लेकिन आज बनाना ये काफ़ी मुश्किल है। जो ये कारीगर है आंटी के अंदर काम है, ये वुड पे होता है, अखरोट की जो लकड़ी रहता है Okay. उस पे ये काम बन जाता है। बाकी अच्छा। जो इसका बेस है नीचे और ऊपर का, ये देवदार का होता है। इसको 80 साल 90 साल निकलता है पानी में, खाली इसको 4-5 साल के बाद रिपेयर करना पड़ता है। So after spending a night here at the Dal Lake, it was time to leave for Gulmarg and begin with our much awaited snowboarding adventure. अभी हम कहाँ जा रहे हैं शेख भाई? अभी पहले टंगमर्ग जाएंगे, वहाँ से गाड़ी भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये वाली गाड़ी तो गुलमर्ग नहीं जा पाएगी। ओके okay. से हम आपको दूसरी गाड़ी प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो टायर्स में चेंज होगी। ऑलराइट, टंगमर्ग से आगे तो रोड बहुत ही टफ है। और स्नोफॉल का क्या है अभी अपडेट? तो कल के लिए प्रिडिक्शन है स्नोफॉल की गुलमर्ग में, तो देखते हैं। ऐसे प्रीवियसली जो प्रिडिक्शन थी वो तो ऑलमोस्ट बराबरी हो गई है, तो ये भी कल शायद स्नोफॉल हो जाए। This is how we made it to the winter wonderland of India. तो आज के लिए इतना ही। Make sure to drop a like and subscribe to my channel. और हाँ, bell icon दबाना मत भूलना।